वाहिगुरु साहिब जी डंडौत बंदन अनकवार सर्व कला समर्थ दोनों ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ फिरत फिरत प्रभ आया भरिया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती दाए श्री नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद रामदास अर्जन गुरु पर श्री हर गोबिंद हर राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नवो चरण अरविंद ज्यों बुलावे कुदरत कमर हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी ज्ञान ध्यान किश कर में न जाना साध जाना तेरी सब ते बड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सब ते बड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो आप सब सिख संगता माई भाई वड भागे धनता दे युग जो कि ऐसोत युगो जुगे अटल गद्दी ते सुभायमान शब तख्त दी मालिक हाजर नाजर सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी पवित्र गोद विच बैठ करके सतगुरां दी पवित्र गुरबाणी का आनंद माणदे हुए अपने जीवन दी अंश घड़ियां सफलियां बना रहे हो। वड्डियां भागां वाले हो आओ गुरु चरणा विच बैठ के सतगुरां दे पवित्र इतिहास सरवण करके लाहे लै के धनता दे योग बणीए। कल आपां ने सरवण किया सी कि बड़ा भारी युद्ध मचिया होया दोहां फौजां दा ही बहुत वड्डा नुकसान हो रहा सी। कोई भी पिछे हटन वास्ते तैयार नहीं सी। जदों बहुत वड्डा नुकसान हुई जा रहा सी पठान जिहड़े है वह गुरु कीआं फौजां उत्ते धा करके पए। भाई कल्याणे ने देखिया दोहां पासिआं तो बड़ी वड्डी मार मची हुई है नुकसान हुई जा रहा है ते भाई कल्याणा जी फिर धा करके पए है इन्हां फौजां दे उत्ते धा करके पैना किया मार लो कह करके ते तुरकां उत्ते बड़ी वड्डी मार देना करदे भाई कल्याणा जी। अब्दुल खां ने देखिया कि बड़ा वड्डा युद्ध मच गया है। जदों भाई कल्याणे ने बड़ा वड्डा युद्ध किया ना तुरकां दे पैर हिला दिते अब्दुल खां ने देखिया कि घमसान का युद्ध हो रहा है। उन्हें ये भी देख लिया कि गुरु के सूरमे उहदी सैना दे विच वड़ के ते बड़ा वड्डा नुकसान करी जा रहे हैं। मेरी जिहड़ी फौज है वह डर रही है पैर पिछे नूं पटना चाहुंदे है कि खान जिहड़े
अगे हो के सचेत नहीं होंगे। इन्होंने हिरदे विच डर पैदा हो गया कि सिख तगड़े है, ये सानू छड़नगे नहीं। तो जिहड़े भी अगे नू जांदे आ वो मारी दे जाना करते हैं, डरते कह लो जाना करते हैं। इतना वड्डा उत्साह नहीं इन्हां दे मन दे विच, इन्हां दे मन दे विच उत्साह नहीं युद्ध लड़न दा, ते पिछां नू भजना चाहुंदे आ। इदां हुण देख करके ना इन्हें बलवंत खान नू आवाज़ दे के ते बुलाणा कीता है, ते ताना मैना मार के इन्हू हुण उत्साहित करके ते भेजना चाहुंदा है। इहदे जितने भी नाल इहदे फौज वाले दित्ते सी ना, फिर भेजना चाहुंदा है। हुण इस तों अगे आपां इतिहास नू श्रवण करिए। वाहिगुरु जी उत्साहीन नै गंत धाए तंदूर धार बोलो सुनाए, बलवंत खान को टिक बुलाए तुम हुतो वीर तो मन परमाए। कि देख लिया अब्दुल खान ने कि इन्हां दे विच हीनता पैदा हो गई, डर पैदा हो गया। गुरु दियां फौजां दे सामने होके हुण लड़दे नहीं, गुरु दियां फौजां दे सामने होके धावा नहीं बोलदे। इन्हां दे मन दे विच डर है कि पिछा नूं भजना चाहुंदे है, कि सब कुछ देख करके तब क्रोध धार बोलो सुनाए। गुस्से विच आके क्रोध विच होके ते अब्दुल खान ने फिर कहना कीता है, आवाज दे के बुलाना कीता है, बलवंत खान को ढिग बुलाए। गुस्से विच आके अपने सेनापति बलवंत खान नूं बड़े जोर दी गुस्से दे नाल आवाज मार के ते अपने पास सदना कीता है, तुम हुतो वीर तोमर प्रभाए। ते मेहणे वांग ना इन्हें कहा बलवंत खान नूं, कहन लगा बलवंत खंडा तू तो कहता सी कि मैं नेजा चलाने का बड़ा सूरमा, तो हम तेरी सूरमगति कित्थे है, हम पिछे क्यों क्यों लौटते जे तुहाडे हिरदे विच भरम पै गया कि सिख साडे तो तगड़े है बलवान ने सानू मार देणगे। इस वास्ते हुण तुसीं डरदे हो, कोई भी सामने जाते नहीं। जदों चलन लगे सी जलंधर तो उदों ते कहिंदे सी कि मैं नेजे चलाने का माहिर, कोई कहिंदा सी मैं तलवार चलाउण दा माहिर, ते कोई कहिंदा सी बंदूक विचों छड्डी हुई गोली मेरी खाली नहीं जाएगी, ते छड्डे हुए तीर साडे वैरियां नूं मारदे जाणगे। पर हुण की हो गया, क्यों शक्तिहीनता हो गई? सामने देखो गुरु दे सिख भावें तुहाडे नालों वड्डी गिणती विच घट ने, पर कितना उत्साह है उहनां दे हिरदे विच। मरनों रता भर भी उह डरदे नहीं, ते छातियां तान के बड़ा सारा नुकसान करी जा रहे हन। तन दीत क्यों ना अमलर नहीत, गुर सिखण रोको जग खेत, जे हर गोविंद क्यों जो नवार, नै पकड़ो आप जे हो जे हार। कि हुण तुसी लड़न वास्ते अपने शरीरां नूं इन्हां दे सामने क्यों नहीं करते? लड़न वास्ते अपने सीरां नूं सिखां दे सामने क्यों नहीं करदे? हुण डरदे हुए पिछे नूं पैर क्यों पटदे हो? गुरु दे सिखां ने जंग रण खेत्र विच रोक करके रखना कीता होया है, जिन्हां नूं कि तुसीं कहिंदे सी कि थोड़े है। देखो हुण उहनां ने उत्साह विच हो के ते जंग रोकिया होया है, बड़ा भारी हल्ला कही जा रहे है ते बड़ा कटी जा रहे है। तुसीं जितना चिर गुरु हरगोबिंद नूं पकड़ नहीं लैंदे जां मार नहीं लैंदे, उतना चिर तुहाडी हार ही है, कोई तुसीं जित्ते नहीं। जां तां गुरु नूं मारना ते जां जौंदे नूं पकड़ना, इन्हां दोवां कम्मां विचों कोई भी ना होया। ते बलवंत खान जी समझो तुसीं हारे हुई हो, तुहानूं शर्म आउणी चाहीदी है कि गुरु दे थोड़े जोधिया ने तुहाडी बरहाली करना कीती है। तुम कहो कहां बैठन स्थान, नै बीज सो बोलै देह खान, गुरे अल्प सहन ते अरै जग, पुन डरो कहां निजे अधिक संग। कि तुसीं दसो फिर तुसीं केड़ा मूंह लै के ते वापस जाके किहड़े स्थान ते बैठना करोगे? अब्दुल खान दे कहण दा मतलब सी कि केड़ा मूंह लै के तुसी वापस जाओगे, ते फिर उत्थे जाके होरां नूं की दसोगे कि असी वड्डी गिणती विच ते सिख थोड़ी गिणती विच असी मार खा के आ गए हैं,
बहुत सारे योधे मरवा के हार खा के ते वापस आना किया है कि खान तुहानू अपनी परे पंचायत विच बोलन नहीं देंगे, तुसी गल नहीं कर सकोगे, किहड़े मूंह दे नाल तुसी उत्थे फिर गल करोगे। न बीज सो बोलन देहे खान, इहदा मतलब यह है कि तुरकां दे विच तुसी फिर बहन जोगे नहीं रह जाना, तुरकां ने तुहानू कदा चित भी कोई गल नहीं करन देना, जे तुसी फड़ मारोगे भी तो कहणगे कि हाँ बई तुहानू जानदे आ, जिहड़े तुसी कल अजे गुरु के सिखा पासों वड्डी मार खा के आए हो ते बहुतियां नूं मरवा के ते कैर बन के ते भज जाए, तुसीं भी कोई बंदे हो, इदां दे मेहणे तुहानूं तुरक मारना करनगे कि गुरु जी के सिख थोड़ी गिनती विच होण करके भी जंग विच चढ़े हुए है। गुर अलप सैन ते अरे जंग, कि भावें गुरु के सिख देखो थोड़े से, कितने वड्डे उन्होंने हौसले है, कितना उत्साह है कि उन्होंने जंग दे विच चढ़ना कीता, जंग रोक के रखना कीता होया है। उन नरो कहां जे अधिक संग है कि तुसी आप तो बहुत ध्यान नाल फिर किवें लड़ाई करोगे। अब्दुल खान के कहने का मतलब सी कि इत्थे ते तुसी है ही ज्यादे, तुसी 15,000 हो ते 2-3,000 तुसी इन्हां दे नाल नहीं लड़ सकते, ते जे कल नूं कोई ऐदां दी गल बन गई कि तुसी थोड़े होए ते अगले ज्यादे होए ते फिर किवें लड़ोगे, हुण थोड़िया नाल ते तुहाडे तों लड़िया नहीं जांदा ते बहुतिया नाल भी तुसी लड़ नहीं सकोगे। ए जथेदार आपद अगाए सुरखा तुरंग चंचल कुदाए, इस हतो अगर द्वै कै रसाए उन गुरु बानी जो बलाए, कि उन्हां दा एक जथेदार अगे आके ते देखो किवें अपनी फौज की कटावधी करी जा रहे, कल्ला ही तुहाडे तों डरदा नहीं, कि तुसी इतना वड्डा टोला जी जिहड़े कि थर थर कंबी जा रहे हो ते अगे नूं जाण नूं तुहाडा जी नहीं करदा। देखो सामने लाल घोड़ा उहदे थल्ले है, बड़ा चलाक घोड़ा है जिहनूं कि उह कदवाई जा रहा है, जिस पासे वल भी जांदा है अपनियां फौजां दा नुकसान करी जांदा है। इह गल सी भाई कल्याणे दी, लाल रंग दा घोड़ा बड़ा बलवान घोड़ा उहदे उत्ते सवार है, इह सतगुरां तों थापी लै के गिआ सी सूरमा, फिर वड्डा कट्टी करी जा रिहा सी, कहिंदा देखो उह जथेदार जिहदे थल्ले लाल घोड़ा है किद्दां अपने घोड़े नूं भजाई करदा है ते किद्दां तुहानूं वाढ पाणा कीती हुई है कि उसनूं गुस्से विच आके ते सामने होके बलवंत खंड जी हुण मारना करो ते गुरु की फौज नूं भजा दिओ। जे ते तुसी इज्जत अपनी बचाउणा चाहुंदे हो ना, वापस जाके तुरकां विच बैठना चाहुंदे हो ते फिर मां दे शेर बणो, भजा करके घोड़ा अपना इहदा मुकाबला करो। अटकै ना कोई हल्ला सुकार पटियाली बख्श सिलेहो नाल, बलवंत खान प्रचंड वीर सुन कै सा क्रोध भजिआ कर भीर, कि कोई तुहाडे अगे अटके ना, इतना जोर दिखाओ। अब्दुल खान हुण इहनां नूं उत्साहित करके भेजना चाहुंदा सी, कहिंदा बलवंत खंडा फिर तू कहिंदा सी कि मैं नेजे दा बड़ा बाहर आ ते अज ऐसे हथ विखा रण खेत्र विच कि गुरु का योधा कोई भी तेरे सामने अटक ना सके, कितना वड्डा जोर दी हल्ला गुरु के योधिया उत्ते कर, ते इदां कर कि अली बख्श नूं भी अपने साथ विच लैणा कर, अली बख्श नूं भी अपने साथ विच लैणा कर। हुण जदों ये कुछ किया अब्दुल खान ने ते बलवंत खंड जिहड़ा कि बड़ा अपने आप नूं महान योधा समझदा है, शक्तिशाली समझदा है, ये सुन के इन्ने बड़ी वीरता वाले शब्द कहना कीते है, ये रूह विच आ गया, गुस्से विच आ गया अब्दुल खान दे पासों कि ताने मेरे सुन के बड़ा हुशियार जिहा होया ते वीरता वालियां गल्लां जिहड़ियां करन लग गया। घोड़ा कुदाए तोमर संभार टिग अली बख्श लीनो हकार, होए सम्मुख चलो गुर के रसाई
ਭਟ 2000 ਜਨ ਸੰਗਤ ਆਏ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਮ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਦਵਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛੇੜਿਆ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਇਸਨੇ ਕਦਵਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਜੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਾਢ ਪਾਣਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰੇ ਆ ਨਾ ਸੈਨਿਕ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਤਾਰਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਬਲਵੰਡ ਖੰਡ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਬਲਵੰਡ ਖੰਡ। ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਧਾਰ ਕੇ ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਪਕੜਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਰੇ ਹੀ ਹਾਰੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਬਲਵਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਧਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸਤਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਆ 2000 ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2000 ਸੂਰਮਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲਵੰਡ ਖੰਡ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 2000 ਸੂਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੋਗੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ 2000 ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮ ਭਏ ਅਗਰ ਅਗਰ ਸਮੁੱਖ ਦੌਰ ਕਰ ਹਲਾ ਗੁਣ ਸੰਗਰਾਮ ਠੌਰ, ਤਬ ਪਿਖੋ ਕਲਿਆਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਧਾਰ ਤੈਸ ਮੁੱਖ ਹੋਏ ਉੱਚੇ ਪਕਾਰ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਬਲਵੰਡ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹਾ ਜੰਗ ਇਹਨੇ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਟਾ ਵਧੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬਲਵੰਡ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਧਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲਵੰਡ ਖੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਗਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਵੰਗਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਗਈ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਬਲਵੰਡ ਖੰਡ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਖਰੋ ਤੋਹੇ ਕੋ ਹਤਨਹਾਰ ਕਿਮ ਜਾਤ ਅਗਰ ਕੋ ਹਮੋਟਾਰ, ਬਿਨ ਮਰੇ ਕਿਮਾਰੇ ਜੰਗ ਮਾਹੀ ਕਿ ਧੂਤੀ ਜਾਤੀ ਉਚਿਤ ਨਾਹੀ। ਕਲਿਆਣੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਲਵੰਡ ਖੰਡ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਕਰੀ। ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਨਾ ਉਚਿਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਲੇ ਨਾ ਵੱਟ, ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਦੇ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ, ਤੇਰੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ
ते फिर अगली गल करांगे इदा टाले वटन वाला मर्द नहीं अखवा सकता। इम कह सवार तुकं प्रहार बल वट गुरु सुन क्रोध धार क्यों चैतना जीवन प्राण देत कह भयो समुख दोनों सचेत। ते जदों हुण इह आवाज सुनी ना बलवंड खंड ने बड़ा गुस्से विच आ गया, वापस मुड़ करके देखिया भाई कल्याणे वल्ले जिधरों आवाज आउणा कीती सी, गुस्सा धार के वापस मुड़िया ते अपनी बंदूक नूं संभालिया। संभालिया कहण दा भाव के इह संभाल करके कहना चाहुंदा सी कि बस हुण मेरी बंदूक दा वार आया ते सामने तैयार हो तेनूं मौत दे मूंह विच पा देना है। जिन्हें तू मैनू ललकार मार के वापस बुलाना किया पहलो तेरे नाल ही दो हद करदा। अपनी बंदूक नूं इहने संभालना किया ते बोल करके कहन लगा सिखा जाप लै कि दो चार दिन तू जिउणा नहीं चाहुंदा। मैं ते तेरे गुरु वाले पासे जा रहा सी पर तू आवाज दे के सदना किया इहदा मतलब यह है कि तू जिउणा नहीं चाहुंदा, कि तू अपने प्राणा की लोड़ नहीं, हुणे मैं तेरे नाल दो हथ करदा। कि इदा कह के ना ते दोनों ही सचेत हो गए हैं। कि बलवंड खंड भाई कल्याणे वल आया ते भाई कल्याणा जी भी अगों सावधानता विच ने दा पी चला के ते बलवंड खंड का प्रहार करना चाहुंदा है, इहनूं मौत दे घाट उतारना चाहुंदा है। परो रौर कौर कर ठौर ठौर कुपे वीर दो दो गोरी ठोक त्यार तुप संभार कै परे अरणाए ताए बिरे सुमदाए जाए हने कुदाए के भराए अर मार कै। इतिहासकार कहिंदा है कि जदों दोनों सावधान होए ना सेनापति, एक गुरु जी का सेनापति है ते एक अब्दुल खान का सेनापति है, बड़ा रौला पै गया, रौला मच गया। एकदम दौड़ के थां थां ते सूरमे फिर गुस्से विच आ गए हैं अते दो दो गोलियां ठोक ठोक के इन्हां ने भरना कीती हैं। बंदूकां दे विच दो दो गोलियां इन्हां ने भरनियां कीतियां हैं अते तैयार पर तैयार करके आपू अपनियां बंदूकां ते इन्हां ने अपने हत्थां विच संभाल लईयां। गोलियां ठोक के घोड़ियां दे उत्ते हथ ने कहण दा भाव कि समय की इंतजार विच ने कि समा मिलेगा ते आपू अपने वार जिहड़े दाग देंगे ते सिखां दा वड्डा नुकसान करांगे। शोर मचाउंदे होए हुण आपू अपने घोड़ियां नूं कदवा के ते इक्को दम सतगुरां दी फौज वल्ले आए हैं। इदां कह लो कि जिस तरह इन्हां ने कीता गुरु के योधियां ने भी फिर इदां ही कीता है। ते जदों इह धा करके पए सतगुरां दे योधियां ने पहलों ही बंदूकां चला के इन्हां पठाणा नूं वड्डी गिणती विच मार देना कीता है। गुरु के योधियां ने ना पहलों ही स्वागत कर दिता। ये ते अजे भजा के घोड़े आ रहे से हल्ला बोलना चाहते सी, भाई कल्याणे की प्रेरणा के नाल गुरु के सिखां ने पहलों ही इन्हां उत्ते वार कर दिते। ये पठाणा का टोला सी, बड़ी वड्डी गिणती दे विच गुरु के सिखां ने मारना कीता है, चंगी इन्हां नूं झाड़ पाणा कीती है कि पानी मंग मंग के धरती ते डिगदे है पर कोई पानी पीण वाला लागे नहीं, कोई पानी पिउण वाला इत्थे है नहीं। हाए अम्मा कह के ये धरती उत्ते डिगदे है ते इन्हां दे प्राण निकलदे जांदे है। हथियारां दा वार करके सूरमे वंगार वंगार के वैरियां नूं थाए रखी जा रहे हैं, वंगार वंगार के थाई रखी जा रहे हैं ते खान हार के धरती ते डिगी जांदे हैं। ये बलवंत खान बड़ा ही पठान है, इहदे नाल ये 2000 पठाणा का टोला सी। इदां कह लो कि इन्हां नूं चंगी वाट काट करना कीती है, गोलियां दी मार देना कीती, वड्डी गिणती विच भाई कल्याणा दे साथ विच जिहड़े योधे दित्ते सी सतगुरां ने वंड के उन्होंने चंगे जौर दिखाए ते वड्डी गिणती विच पठाणा नूं लागे ला दिता, बहुत सारे मार दिते। इन्हां विचों बड़े सारे जिहड़े जख्मी है धरती ते डिगदिआं
इतिहासकार कहता है कि पानी मंगते हैं पर पानी उत्थे नहीं मिलेगा, कोई भी पानी देने वाला नहीं। ये पानी मंगते मंगते बेचारे मौत के मूँह में पई जाते हैं। खान बलवंड बलवंड भोजन दंडन ते तोमर प्रचंड को भरमाए बार बार ते घोरण कोमर नमनिंद सुन चाय कर मारे सिख उर उर होर होर डरते। कि बलवंड खंडन अपने योध्या का होया नुकसान देख के हम जर नहीं सकिया, इन्हें गुस्से में आ करके ते फिर अपने नेजे वाले जौ दिखाना किए है, कह के गया सी ना कि मैं नेजे चलाउन दा बड़ा माहर बड़ा सूरमा, इन्हें नेजियां दे बड़े सारे वार करना किए है, घोड़े नू मोर वांग नचा के ते सिखां वाले पासे आउणा किया है। सिखां वाले पासे इन्हें आउणा किया है, इदां कह लो कि इन्हें अपने बरशे दे नाल इतिहासकार कहिंदा है कि मारै सिख कर मारै सिख ऊर और होर पूर डारते। इहदा मतलब है कि बरशियां मार मार के सिखां दे सीने इसने पाड़ना कीते है, जिवें जिवें ये वार किते गुरु के सिखां नूं इन्हें मौत दे घाट उतारना किया। ये बलवंड खंड ने अपनी बरशी दे नाल काफ़ी जिहड़ा नुकसान सामने हो करके करना दिता है। कह लो इतिहासकार कहिंदा कि अपनी बाहां दा इहो जिहा बल दिखाया कि एक बारी सतगुरां दी फौज दे पैर हिला के रख दिते। बलवंड खंड ने गुस्से विच आ के इहो जिही बरशी दी मार देना कीते कि फौजां दे पैर हिला दिते। फिर घोड़े नूं प्रेर के शस्त्र चला के ते बड़िया सारिआं नूं जख्मी करना कीता है, पहलों मारे फिर जख्मी किए है, ते कई उच्ची उच्ची पुकार दे वंगार दे है, उच्ची उच्ची पुकार दे ते वंगार दे ने हारदे नहीं, खड़े होके ललकार दे है ते आपो अपनियां बंदूकां दे वार करदे है। पर बलवंड खंड दा पेच खेड किते अपने आप नूं बचाई जा रहा सी, घोड़े नूं इधर उधर करके दा पेच दे नाल कहन दा भाव कि गोलियां तों बची जा रहा सी। जबै बलवंड रण वंड कै घुमंड करो भय खंड खंड चली चंड जो कुरबान ती सिखण समेत हवै कल्याणी ने मलोको तब बाजे को तृप्ताए भयो आगे को पठान ती। कि बलवंड खंड ने ना रण नूं घेर के ते बड़ा घुमंड किया, इदां कह लो कि काफ़ी सिखां नूं मार के हंकारिया गया, हंकारिया गया बलवंड खंड, ते कहिंदा कि रण खेत्र हुण मेरे हाथ विच जित है। हंकारिया गया ते तिखी तलवार चलण नाल वैरी खंड खंड हो गए है, तलवार भी उत्थे बड़ी सारी वाही गई, जिहड़े पासे तलवार चली बड़े सारे सूरमे टुकड़े टुकड़े होकर धरती ते डिगदे जांदे है। सिखां समेत फिर भाई कल्याणी ने देखिया कि बड़ा सारा इन्हें नुकसान किया, गुस्से में आ गए भाई कल्याणा जी। भाई कल्याणा जी भी अपने योध्यां दा हुण बदला लैना चाहुंदे इहदे तों, घोड़े नूं भजा करके गुस्से में आ के ते भाई कल्याणा जी इहदे वल वधे है, अगे अगे नूं वधे है। मन दी सोच है कि सतगुरां ने वचन किए से बलवंड खंड नूं मैं छड्डांगा नहीं, इन्हें बहुत सारा नुकसान साडियां फौजां दा कीता है कि हुण इहनूं छड्डांगा नहीं। इदां कल्याणी ने ना दो गोलियां भर के ते अपनी बंदूक नूं तैयार पर तैयार करके ते पलीता देना कीता है, पलीता मेल के हाथ विच रख के ते उच्चा चुकिया, उच्चा चुकिया ते देखना चाहुंदा सी कि किस जगह ते किवें किदां किहड़ी जुगती दे नाल बलवंड खंड नूं निशाना मारिया जाए जिहड़ा कि निशाना मेरा खादी ना जाए। ये बहुत नुकसान कर चुकिया, अगर जे इहनूं संभालिया ना ते ये होर नुकसान बड़ा करेगा, होर बड़ा नुकसान करेगा। इदां फिर इहने संभाल करके ना गोली चलाई, ऐसे ढंग दे नाल चलाई कि ये बलवंड खंड दे मूँह दे विच वजना कीती है गोली। इस हिसाब दे नाल भाई कल्याणी ने अपना निशाना सिन्न के बंदूक दे गोली मारना कीती, ये निशाना इदां कह लो कि इहदे मूँह दा सिन्न के मारना कीता सी। ये गोली जिहड़ी
भाई कल्याणे वालों चलाई हुई बलवंड खंड के मूह के वजना की है। कह लो कि जदों मूह के वजी ये प्राण कढ़ती हुई लैके तो बलवंड खंड में लै गई है। ये घोड़े के उत्तों दड़ा करके धरती से डिगया, इहदा मूह पाट गया, दो भाग हो गए सिर के कहन का भाव। इतिहासकार कहता कि मूह च गोली वजी सी, दो भाग हो गए। कह लो कि जिवें बड़ा वड्डा दरख्त एक पासे तो छिलिया गया होवे ना, ते उहदी वड्डी सारी छिलड़ जिहड़ी नाल लमकदी है। इदां कह लो कि बुल ते दंद जिहड़े लटके पए से बलवंड खंड घोड़े तो थले दड़ा करके डिग्गिया ते मौत दे मूंह च पै गया। गुरु के सिखां ने बड़े प्रसन्नता विच हो के जगारे लाणा कीते है। भाई कल्याणे ने जदों इहदा अंत कीता बलवंड खंड दा, धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज वीरी पीर के मालक सच्चे पातशाह जिन्होंने कि शाबाश शाबाश भाई कल्याणा जी कहना किया है, बख्शिया देनिया कीतिया हले। नेजा नै दया को अनराको जंग, भंग पयो देख कै बख्शिया ली विष्णु बचार कै। वीर सो कहो बलवंड खान क्यों मरो, पूजिए गारी नंद धावे रिप मार कै। कहते मरिया पिया पर नीजा हाथ में नीजा छड़िया नहीं, बलवंड खंड धरती से पिया, प्राण निकल गए, पर यह नीजा जिहड़ा हाथ दे विच फड़िया होया सी इहने यह नीजा अपने हाथ विचों छड़ना नहीं किया। मन दे विच बड़ा वड्डा प्रेम जागिया सी युद्ध करन दा, जां इदां कह लो कि अब्दुल खान ने ताने मीने मार करके ते भेजना किया सी, वड्डा नुकसान करके ये मौत के मूँह च पै गया। अली बख्श उहदा प्रेम नाश हो गया, जिहड़ा नाल आया सी ना अली बख्श, जदों उहने देखिया बलवंड खंड मारिया गया इहनूं बड़ा दुख होया, बड़ा दुख होया कि माड़ी गल होई है, मैनूं इहदा बदला लेना चाहीदा है। विचार के बड़ा हैरान होया कि सूरमियां नूं कहण लगा, सूरमियो देखो अपना सेनापति सामने बलवंड खंड जी डिग करके मर गया, मौत दे मूँह च पै गया, अगे हो जावो नहीं तो दुश्मन धावा करके उन एक नूं भी छड्डणगे नहीं, मौत दे मूँह च पा देणगे। इह अली बख्श कहण लगा कि अगे हो जाओ नहीं तो तुहानूं किसे नूं भी इह छड्डणगे नहीं, इह मौत दे मूँह च पा देणगे, अग्गा जाके रोको, अपनियां बंदूकां भर के कट्ठियां चलाना करो, अपनियां बंदूकां कट्ठियां भर के चलाना करो, ते सिखां दे हिरदे विच डर पैदा करो, तां जाके इह गल बनेगी। क्योंकि जिथे सेनापति मर गया, बड़े सारे योधे मर गए, उत्थे वड्डे वड्डे सूरमे जख्मां दे नाल त्रा त्रा करी जांदे ऐ कि उहनां नूं वी हुण कोई बचाण वाला नहीं, कोई इत्थे मलहम पट्टी नहीं, कोई पानी देण वाला नहीं, वड्डा नुकसान हो गया कि आपो अपने शस्त्र संभाल के धीरज धारण करके सामने मरना करो जां मारना करो। ये हुण अली बख्श ना अपने नाल दे साथियों नूं धीरज दिंदा है ते उत्साहित करदा है, कहिंदा कि हुण जदों सेनापति मर गया ते सानूं वी इक पासे करना चाहीदा है, जां ते मर जाओ जां मार दिओ। कहे जो पकारी प्याने अगारी, तुफंगे संभारी गुरु दैस उडारी। इस तरह पुकार पुकार के कहता सी अली बख्श, ते उत्साहित करके इहदे योधिआं ने इधर अगे नूं वधना कीता, आपो अपनियां बंदूकां संभालियां, गोलियां ठोकियां, कहण दा भाव कि इह इसे तरह ही गोलियां चला के ते गुरु के सिखां नूं डराउणा चाहुंदे ऐ, पैर हराउणा चाहुंदे ऐ। इन्हां ने फिर अगे हो के निशाने छातियां दे तक के ते मारना कीते है, गुरु के सिखां दे छातियां दे निशाने तक के मारना कीते है। कह लो कि बड़िया सारिया गोलियां सिखां नूं लगियां ते बहुत सारे आपो अपने घोड़े इधर उधर टपा के इन्हां दे निशानियां तों बच गए, बहुत सारे दा पेच खेड के बचना कीता है। पतो खान आके अभी जी भागे, पठो ताज संगा संभारी तुफंगा। ते कहंदे सी कि पहलों तुसां ने साडे बलवंड खंड नूं मारना कीता है, इन्हां दी
ये ताड़ना सी भाई कल्याणे इन्हां दी ताड़ना सी उच्ची पुकार की कहिंदे भाई कल्याणे नूं कहिंदे पहलो तुसां ने साडे बलवंड खंड नूं मारना कीता ते हुण जे नहीं भजेगा ना ते तेनूं वी असीं अपने साथी दे पास ही भेज देंगे छड्डांगे तेनूं वी नहीं तेनूं वी मौत दे घाट उतारना करांगे इदां इह निशाने सिन सिन के मारदे ऐ ते गुरु के योधे सामने तो इन्हों का मुकाबला करते हैं कल्याणा जो ढायो अगाऊ तो आयो अली बस ढाई तुफंगन तैयारी के जदों इदा ये ललकारते हैं ना भाई कल्याणे तो भाई कल्याणे ने गुस्से में आके धावा बोल दिता धावा बोल दिता सतगुरां दे सिख ने अगे आया अली बख्श ने भी अपनी बंदूक जी सामने तो तैयार की है कि आ गया हूँ भाई कल्याणा जे कुछ नहीं करांगे ते मौत दे घाट उतार देवेगा मुकाबला करना पवेगा क्योंकि वंगार देना कीती है तको अगर आवा सो तोरा झुकावा शताबी पलीता उठो नाद कीता कि जदों भाई कल्याणा जी बड़े गुस्से विच है सामने आ रहे सी ना कि इन्हें पहलो ही अपनी बंदूक चलाना कीती है इहदा जिहड़ा निशाना सी अली बख्श दा भाई कल्याणे दे छाती विच वज्जिया ते छाती नूं पाड़ करके लै गया इदां कह लो कि भाई कल्याणे नूं मौत दे मूंह विच पा दित्ता अली बख्श ने यह कहिंदा सी कि मैं अपने साथी का बदला लैणा है इन्हें यह बदला लैणा कीता झूम के जोधा गुरु का डिग पिया घोड़े तो इदां खड़ाक होना कीता जिवें कि बहुत वड्डा मनारा डिगणा करदा है मरो जी कल्याणा भय मूल खाना हला हाल कीने चढ़ी चौंप चीने जदों भाई कल्याणा जी की मौत हुई तो खाना ने भी बड़े प्रसन्न होना कीता अली अली के नारे इन्होंने लाड़ा कीते है बड़ा उत्साह जहाँ चढ़ गया कि असा ने बदला ले लिया तो बराबर कर दिता इदा हूँ इन्हों बड़ा गुस्सा चढ़ गया बड़े उत्साह तो कहते अगे नाते हैं अगाओ बयाने भय सावधाने रंग रंग राचे महारूज माचे कि अगे नाते हैं सावधानता दे होंगे है तो गुरु के सिखा दे उत्ते बड़ा वड्डा गुस्सा धारण करके ते मारना चाहते हैं हुण इन्होंने अगे हो करके कृपाना धूलिया तो कृपाना दे नाल हुण ये रण खेत्र विच युद्ध करना चाहते हैं जदों हुण इन्होंने कृपाना कढ लिया धू करके पै तो गुरु के सिखा ने भी तलवारा धूलिया अपनिया तलवारा दे नाल इन्हों फड़ोत पाणा कर दिती गुरु के सिखा ने भी धा करके पैड़ा किया इन्हों एक बारी रोक लिया डक लिया नेजे मार के कलिंजे इन्हों के परोड़ा किते किते हुण मुक्कियां दे नाल ही योधे लड़ी जा रहे सी कसुन मार मार के मुक्कियां मार मार के ते मौत दे मूँह च पाई जा रहे सन इते सिख कूके उते खान ढूके सिपाही करारे नहीं कोई हारे एक पासे सिख जकारे लाउंदे है ते दूसरे पासे खान फूकदे है आपो अपनी जगह ते बड़े होशियार ने ते युद्ध जितना चाहते है हार कोई भी नहीं मनना चाहता करारी लड़ाई मचा के ते इन्हां सिपाहियां ने अपने युद्ध विद्या के अभ्यास जिहड़े दिखाणा कीते है एक पासे अब्दुल खान पिछे खलोता होया एक पासे धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज मीरी पीर के मालक सच्चे पातशाह खलोते हुए ने इदा फिर दोहां पासियां तो चंगी काटवाद होना कीते लोथां उत्ते लोथां फिर चढ़ गई रण खेत्र विच नौजवान गभरू मुंडियां दियां लोथां पईयां होईयां कई सहकदे है कई पुकारदे है ते जोगड़ियां मास खा खा के कलियारियां मकलकारियां मारदियां गिद्दड़ रज रज के हवाकदे है इल्लां जोधियां दियां आंदरां खिच खिच के आसमान वल्ले उड़ियां जा रहियां बड़ा भयानक जिहा दृश्य ये रोहेले नगर के नेड़े इस रण खेत्र का बन गया बड़ा भयानक जिहा थोड़े दिलों वाले भजना चाहते सी कि चंगी गल यह है कि इतों निकलना करिए नहीं तो हालात इन्हों वाले होणगे
ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਪਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਔਰ ਖਾਣ ਕੋ ਪਰੋ ਜੰਗ ਵਿਕਰਾਲ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਕਰਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਲਵੰਡ ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਠਾਣ ਆਏ ਸੀ ਨਾ 2000, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿ ਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਗਹਿ ਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਯੋਧੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰਵ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਨੇਜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਫਾ ਜੰਗਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮਰੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਹੈ ਬਲੀ, ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਕੋ ਵਿਚਰੰਤ, ਉਹ ਘਾਇਲ ਹੈ ਕਰ ਖਰੇ ਘੁੰਮਤ ਨਹੀਂ ਚਲੰਤ। ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਖਾਲੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਹਿਣਕਦੇ ਹੋਏ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਧਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਮਰਨਾ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਘੋੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਸਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਬੜਾ ਵਿਕਰਾਲ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਮਲਪ ਸਿੱਖੇ ਆਗੇ ਰਹੀ ਘੇਰੇ ਆਨ ਪਠਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱਪੈ ਦੇ ਮਹਾਨ। ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਠਾਣ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਇਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਠਾਣ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱਪੇ ਦੀ ਮਹਾਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਲਸ਼ਕਰ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਤਪੰਗ ਭਇਓ ਹੰਕਾਰ, ਸਹਿਣ ਸਕਲ ਤੁਰਕਾਨੀ ਉਮੜੀ, ਬਹੁ ਤੌਸਨ ਕੀ ਉਠ ਤੁੰਕਾਰ। ਕਿ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ ਤੇ ਅੰਤਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਹਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੰਕਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧੌਂਸਿਆਂ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਧੁਨਕਾਰ ਉੱਠਣਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਆਤਨ ਗਹਿ ਪਤਾਕਾ ਆਵਦ ਫਰੈ ਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਸਵਾਰ, ਕਿ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੰਨਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾ ਕਰਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਬਸ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਰਾਤਬੇ ਮਿਲਣਗੇ।
मूर्ख एक साल आपो अपने घोड़े भजाई फिरते हैं, बदवाते हैं, तो अपनी जित समझते हैं। श्री गुरु चाप कठोर सभारा बाण पनच के बिच गाए, ऐच गान लग खपरा छोरो गयो वीर वीर अगवाए। ते सतगुरु जी महाराज ने फिर गुस्से में आके अपने धनुख नूं गुरु प्यारों ने संभालना किया, देखिया ना कि तुरक जिहड़े है हुण बाते चांबल गए, घर विच हो गए, ते फौज दे जिहड़े सिख ने उह घट रहि गए। सतगुरां ने अपने धनुख नूं संभालिया, उहदे विच तीरां नूं जोड़िया ते कन्न तक खिच के हुण सतगुरां ने अपने तीर नूं इहनां वल छड्डणा किया। इतिहासकार कहिंदा है कि जदों सतगुरां ने अपना तीर जिहड़ा धनुख दे विचों छड्डिया ना, ये सूरमिया नूं विन्नता होया चलिया गया की होया, एक दो तीन चार तक पंचो जो सरमुख तिस भेद जाए, कि एक तो बाद दूसरा, दूसरे तो बाद तीसरा, तीसरे तो बाद चौथा, ते चौथे तो बाद पंजवा लग के, ते सामने जे कोई होर भी आ गया ते सतगुरां दे तीर ने उन्हूं भी विन्न के धरती ते सुट दिता। पंज पंज छी छी सतगुरु जी महाराज के तीर हुण तुरकां नूं धरती ते सिटन लगे है। अब्दुल खान खरो जय पाशे तैनों पहुंचो ब्रिद गाए, कि हुण जदों सतगुरां ने ये तीर चलाए पंज पंज छी नूं धरती ते डेगन लगे, अब्दुल खान पिछे खलोता होया सी कि देख रहा सी कि कई सूरमियां नूं विन्न के ते उहदे तक सतगुरां दा तीर चलिया जा रहा सी। कहण दा भाव कि सतगुरां दा तीर कि अब्दुल खान नूं सुनेहा देना चाहुंदा सी कि अब्दुल खान इस तों बाद तू भी तैयार हो जा, वारी तेरी भी है हुण, इस तों बाद तैयार तू भी हो जा, वारी तेरी भी है, मैं तेनूं भी मिल सकदा पर अजे तेनूं कुछ दिखा करके कौतक ते फिर तेनूं विन्नया जाएगा, फिर तेनूं विन्नया जाएगा। इदां कह लो कि अब्दुल खान सोचण वास्ते मजबूर सी, कमाल दी गल, इतनी बलवानता, पंज पंज शीशी सूरमियां नूं मारता होया मेरे तक सतगुरां दा तीर आ गया। कह लो कि यह सुनेहा देण वास्ते जा रहा सी अब्दुल खान, तेनूं लग सकदा मैं पर हाले तेनूं सावधानता विच कीता जा रहा है, जे टिल है ते तू भी अपना टिल लगा लै, मत तेरे मन दे विच कोई भरम रहे कि मैनूं ते पता ही नहीं चलिया मेरे नाल धोखेबाजी हो गई, छड्डांगा तेनूं भी नहीं, पर हाले तेनूं युद्ध दे कुछ हालात दिखा के तेरे प्राण निकालना करांगा। इम कर को प्रहारे सर खर गिरे सैकरे मुगल पठान, वो बाप त्यो लिखत नान हमरे वीर की निगर हान। इस तरह हुण सतगुरां ने गुस्से विच आ के ना इतिहासकार कहिंदा कि सैकड़े पठाणा नूं पलां विच ही धरती ते डेग दिता, पलां विच ही सैकड़े पठान धरती ते डिग पै, कौन मारदा है ये दिसदा नहीं, ये कमाल की गल है, किहड़े पासे तो तीर आ रहे हैं, कौन एडा शक्तिशाली जिहड़ा कि मार मार के तीर सूरमियां नूं धरती ते डिगी जा रहा है। हुण बड़ी सारी कोशिश हो रही है कि देखिया जाए कौन मारता है, कितना बलवानता दे नाल ये कौन चला रहा है, कि ये जिहड़े पठान बड़े हंकारे हुए सी ना जदों एडा सैकड़ियां दी गिनती विच धरती ते डिगे पलां विच, ये गुरु प्यार वाले ठठंबर गए, इन्हां दे शरीर जिहड़े थर थर कंबन लगे, ये वारी हुण साडी भी आई, बचांगे असीं भी नहीं। इत्थे जापदा कि एक पासे तों वाढा धर लिया, वाढा धर लिया तीर चलाउण वाले ने कि ये ठठंबर गए है सतगुरु जी महाराज के तीरां अगे अटके रहे, पर अगे वधन की जुरत नहीं रही, क्योंकि अटकने से इन्हां नूं पता सी जे दौड़ांगे ये अब्दुल खान सामने खलोता है वो माड़ा बोलेगा, ताने माने दे के उन्हें फेर मोड़ देना है, अटके रहे पर अगे वधे नहीं, इन्हां नूं जुरत नहीं पई कि जिस पासे वालों तीर आ रहे हैं उस पासे वाल जाके मुकाबला करिए, नहीं डर इतना चुके से
इस पासे वाल वधे नहीं। फिर भाई नानू वाल दया दृष्टि नाल सतगुरु जी महाराज ने देखना किया है, इन्हों पठाणा का हंकार तोड़ के ना पैर हिला के ते सतगुरां नाल एक सेनापति है भाई नानू जी, ते सतगुरां ने उहदे उत्ते अपनी कृपा दृष्टि छड़ी ते सतगुरां ने उन्हों कहना किया है, अली बख्शी आगे आवत टोए हाथ अब मृत हुए तुभ अचूक चलावत चौकच बजो आप इस रोग बरोए। सतगुरु जी महाराज कहन लगे भाई नानू जी आ अली बख्श आ रहा जिहड़ा कि बड़ा वधिया होया, अपने आप नूं इह बड़ा सूरमा कहाउंदा ते इह कहिंदा कि मैं गुरु की फौज का वड्डा नुकसान किया, इहदी तेरे हत्थों मौत होवेगी भाई नानू जी, ये जिहड़ा अली बख्श बड़ा वधिया होया हंकार धार के अगे नूं आ रहा ना, इहदी तेरे हत्थों मौत है कि अपनी बंदूक का अचूक निशाने नूं तुसीं ताड़ करके ते इहनूं मारना है, पर आप तुसीं चौकस हो करके इहदे तों बचना है, सावधानता विच रहना है। इहदा मतलब सी कि दुश्मन नूं अपने तों कदाचित कमजोर नहीं समझना चाहिए, तुसीं सावधानता विच हो के चौकस हो के अपनी बंदूक का वार करके ते इहनूं अली बख्श नूं मौत दे घाट उतारना करो, जां इस नूं नेजे दे नाल प्रो लैना करो। सतगुरु जी महाराज ने हुण कृपा दृष्टि छड़ दित्ती अपने सेवक ते भाई नानू उत्ते रहमतां बरता दित्तियां, हुण सतगुरु जी महाराज पासों इह बचन सुन करके भाई नानू ने उसे वेले सख्त धनुख नूं संभाल लिया, सख्त धनुख इसने संभाल लिया, घोड़े नूं तोड़ के ते वैरी दे वल वेख के वड्डा सूरमा अगे आ गया, सतगुरां तों बख्शां लै के फिर इस पासे वल जाणा कीता कि अली बख्श नूं हुण चाटा छकाउणा चाहुंदा सी क्योंकि सतगुरां ने रहमतां वरताईआं हन। बीरण पर तीरन की बरखा कण समसर करता इक वार, संग तीन सह सिख समुक्ति छुटी तपंगण सर गोदार, के सूरमियां ते तीरां दी वांग बछाड़ फिर करना कीती है। भाई नानू ने इन्हां तुरकां दे उत्ते चंगी तीरां दी बछाड़ करना कीती है। 300 सिख भाई नानू जी सतगुरां ने साथ विच देना कीता होया सी, 300 योधा इहदे नाल है भाई नानू जी दे, इन्हां 300 दा इह सेनापति है, तीर इसने चला के चंगी मार देना कीती, बंदूकां कट्ठियां चलाईयां कि बड़ी वड्डी वाछड़ गड़िया वांग इन्हां उत्ते करना कीती है। कर हल्ला वड्डा बेल कुलाहल शब तड़ा पड़ उठ तड़क कार, कि गोलियां दे गड़ा करते तड़ा तड़ बड़ी भयानक आवाज उठाना कीती है। भयानक दृश्य जिहड़ा सी ना भाई नानू ने अपने सूरमियां नूं कह के बना दिता, ते जदों इदां दा हाल होया ना ये पठान होर डर गए, ये तुरक होर डर गए कि हुण कदाचित भी सानू ये बख्शणगे नहीं, वध रहे पठान मार मार के ना दड़ा दड़ धरती ते डिगना कीते भाई नानू जी ते उहदे साथियां ने, बड़ा वड्डा नुकसान इन्हां पठाणा दा फिर करना कीता है। कह लवो कि इदां पठान हुण धरती ते लेटे पए है जिवें कि बड़े उनिंद्रे है, ते बड़ा लम्मा समा ये सौं करके ते अपनी नींद पूरी करनगे, अपनी नींद पूरी करनगे, लम्मा समा नींद रज करके लैणगे, धरती ते लटा दित्ते, पैर पसार करके धरती उत्ते पठाणा नूं पा दित्ता, जिहड़े कि कहिंदे सी जित साडे पाले विच है, बस हुण आखरी वार है कि घोड़े दड़ाओ नचाओ टपाओ, इन्हां सिखां दा करो कान ते जित दे नगारे ला दिओ, पर हुण धरती ते लटा दित्ते, धरती ते लटा दित्ते, सतगुरु जी महाराज ने भी अपने तीरां दे नाल चंगा इन्हां नूं ठंडा करना कीता है। अली बख्श को तक कर डालो तीखण भीखण बाण निकार, जिसती जीव तरह न शत्रु बाघ उठाए दुराए अगार। इस तों बाद अली बख्श नूं वेख के ना भाई नानू जी ने तिखे भयानक तीर कढ़े, जिन्हां दे लगन दे नाल
वैरी कदा चित भी ज्यौंदा नहीं रहेगा। तिखे तीर कढ़े, बड़ा गुस्सा सी इहदे उत्ते, इहने मेरे भरावां दा बड़ा नुकसान करना कीता है। ऐसे तीर कढ़े जिन्हां दे लगन दे नाल बंदा बचेगा नहीं। हुण घोड़े दे वाग चुक के भजा के ते अली बख्श दे अगे कर दिता, घेर लिया अली बख्श नूं, अली बख्श नूं घेरा पा लिया, अते अगे जा करके कमान नूं कन्ना तक खिंचिया। अली बख्श ने अपनी बंदूक नूं संभाल करके ते पलीता देना कीता। अली बख्श जिहड़ा कि शैतानी दे नाल तैयार होके कहण दा भाव के बंदूक तैयार करके पलीता दे के भाई नानू नूं मारना चाहुंदा सी, पर भाई नानू जी ने पहलों ही अपने तीर जिहड़े संभाल करके तैयारी की हुई सी। त्यार करते ही रहो मंद मत इतने मैं नानू बलवान, तको तुंड दर खपरा छोरो गयो सर्ब के हुए समान। के मूर्ख बंदा ना अली बख्श अपनी बंदूक तैयार करता ही करता रह गया, ये अपनी बंदूक तैयार करता रह गया, पर सतगुरां दे बलवान योधे भाई नानू जी ने कन्न तक खिंच के अपना तीर जिहड़ा ये अली बख्श वाले चलाना कीता है, इहदे उत्ते अपना निशाना बरा दिता के मूह रूपी दरवाजे दे विच निशाना बन के मारना कीता है। भाई नानू जी ने अली बख्श दे मूह दा निशाना सिंध के मारिया, इहदे विच अपना तीर जिहड़ा मारिया कि काले सप वांग छूकदा होया इहदे मूह नूं पाड़ के लंघ गया। धरी शिस्त बंदूक रही कर बरमी जिम परवश्य नुकबान, कि अली बख्श का निशाना विच ही रह गया, इहदी बंदूक का निशाना विच ही रह गया, पर इह तीर गुरु के सिख दा इहदे मूंह दे विच धस गया। कुहाटनी खा के घोड़े तो मुदड़े मूंह डिगना कीता है। अली बख्श मुदड़े मूंह धरती ते डिगया, मैदान दे विच मुदड़े मूंह पै गया, धरती ते डिग पिया, मुदड़े मूंह डिगना कीता। अली बख्श को मार दीन जब सब अलोक दीते पठान, के भाई नानू जी ने यह तीर ऐसा मारिया, मुदड़े मूंह डिगया अली बख्श, इहदी मौत हो गई, प्राण पंखेरू हो गए। गुरु के योधिया ने जकारे लाना कीते है, गुरु के योधिया ने जकारे लाना कीते है। जितने भी ज्यौंदे पठान से उन्होंने देखिया कि है अली बख्श भी गया, गुरु के योधे ने मौत के घाट उतारना कीता है, ये देख करके बड़े डर गए हैं। जिहड़े रह गए सी ना पठान, वो बड़े डर गए हैं, ते पिछे नूं हटना शुरू कर दिता। इन्होंने कंप गया दिल कि असी बचांगे नहीं, इन्होंने आपो अपने पैर पिछे नूं पटना शुरू कर दिते है, थिड़क गए ये वेख करके ना। जदों इन्होंने पैर पिछे नूं पटे ते गुरु के योधिया ने देख लिया, गुरु के योधे बलवान योधे छाला मार के इन्हां उत्ते धा करके पै गए। समा क्योंकि समय के अनुसार युक्ति के अनुसार जंग लड़िया जाता है, कि समा वेख लिया, जांच लिया कि हुणे भज्जणगे, गुरु के योधिया ने छाला मार के इन्हां उत्ते हल्ला पैणा कीता, अपनियां कृपाना कढ के तलवारां धू करके मैदाने जंग दे विच इन्हां पठाणा दे आहू ही ला सत्ते गुरु के योधिया ने। इको दम वाड़ पाणा कीती आहू ला सुते, जद भजदी फौज नूं अब्दुल खां ने देखिया ते ई बड़ा शर्मसार होया, ते उच्ची आवाज मार के हुण रोकना चाहुंदा सी, क्योंकि इह तीजी चौथी वार हो गया सी इहदी फौज नूं भजदिआं। अब्दुल खां भी बड़ा शर्मसार होया कि हर वारी इह अगे लग के भज पैंदे आ, गुरु के सिख थोड़े है पर फिर भी इन्हां नूं अगे ला लैंदे आ, इह शर्मसार हो के हुण रोकना चाहुंदा है, आवाज मारना चाहुंदा है कि इहदे लागे इहदा सेनापति इमाम बख्श सी, उहनूं आवाज दे के ते इहने मुड़न वास्ते कहा है। सो अज इत्थे समाप्ति है, कल फिर सतगुरु जी महाराज कृपा करनगे, जिवें इह आवाज मार के अति गुस्से होवेगा अपने सैनिकां दे नाल, ते उहनां नूं उत्साहित करके वापस मुड़ेगा। जे सतगुरां दी कृपा होएगी ते कल आप दीआं सिख संगतां नूं श्रवण करवाया जाएगा। बेनती करांगे जितना भी हो सके मन वृत्ति एकाग्र करके
गुरु चरणा में बैठ करके सतगुरां की पवित्र गुरबाणी पवित्र इतिहास सुन करके मन करके हिरदे विच वसा के लाहे लैके धनता की जोत बनीए। सतगुरु जी समर्थ ने कृपा दे दाते हैं साढ़े सत्ते मेहर प्रयास रखे साडा भी जीवन सफल जाएगा तो असं भी धनता की जोत बन जावे। कथा करद्या तो बेअंत फुलां हुईयां होणगियां जिथे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बख्शिंद पिता उत्थे आप रब वर्गियां गुरु की सिख संगतां जुड़ बैठे हो। कृपा करो अपने दासां दे सत्ते मेहर प्रयास रखियो ताकि तुश बुद्धि अनुसार आप जी के चरणों की इतिहासा की सेवा करके धनता की जोत बन सकीए। आप सारिया संगतों का बहुत बहुत धनवाद, बहुत बहुत धनवाद धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का जिन्हों की रहम सदका तुश बुद्धि अनुसार आप जी के चरणों की इतिहासा की सेवा की है। सतगुरु जी कृपा कर आप संगतों के सिर पर मेहर प्रयास रखन, अपने दासों के सिर पर मेहर प्रयास रखन के दास इस तरह ही आप संगतों के चरणों की सेवा करते रहिए। होलों की क्षमा इन बेनती प्रवान करनी जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।